मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के इलाज में लगातार लापरवाही सामने आने के बाद भोपाल में मुख्यमंत्री के घर के बाहर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे कांग्रेसियों के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को घेरने के लिए भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में रेत घाट पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री निवास के बाहर इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना के इलाज से जुड़ी लापरवाही को मुद्दा बनाकर शिवराज को घेरने की तैयारी की थी। ये शिवराज की और सरकार की नाकामी है जो इसका अपने मध्य प्रदेश में इतने केसेस बढ़ रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आम जनता मर रही है, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं तो उनका कोई सही इलाज नहीं है और ना उनको है ना कोई दवा ना इलाज, और मार दिया जा रहा है उनको, कोई उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन करा है और शांतिपूर्ण से करा है ताकि ये सरकार तक हम लोगों की आवाज़ जाए, ताकि वो होश में आए। चुनाव को छोड़ के पहले जनता की को देखे कि हमारी जनता मर रही है, जिसने हमें वोट दिए हैं, जिसने हमें सब कुछ बढ़ाया है, उसके उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज बेसिकली हम लोगों का प्रदर्शन जो कोरोना के चलते बाकी दूसरे इलाज नहीं हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उसको लेके था। हमारा प्रदर्शन था CM हाउस तक जाने का और CM हाउस को घेराव करने का, लेकिन पुलिस ने हमको यहीं रोक दिया गया। जिस तरह से अस्पताल में अनियमितताएं चल रही हैं, कोरोना के नाम पे कोरोना का भी इलाज ठीक से नहीं हो रहा, तो बाकी किडनी, लिवर, हार्ट, इन सब पे तो बिल्कुल भी सरकार फोकस नहीं कर रही। जो इंसान जिसकी मौत भी नहीं होती है उसको पहले एक शीट में रैप करके दे दिया जाता है परिजनों को, परिजनों को उसका शव भी हाथ नहीं लगाने दिया जाता है। ज़रूर कहीं ना कहीं ये इसमें ऑर्गन डोनेट हो रहे हैं उस पेशेंट के, इसलिए किसी पेशेंट को टच भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले और जो वाकई पेशेंट है उनको अच्छा और बेहतर इलाज मिले। विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विधानसभा में कोरोना पर कोई चर्चा नहीं की, जबकि यह बीमारी प्रदेश में भयावह रूप ले रही है। देखिए, हम चाहते थे विधानसभा में चर्चा हो, विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। हम चाहते थे कि कोरोना पीड़ितों का इलाज क्यों नहीं मिल रहा, वो इलाज होना चाहिए। अस्पतालों में यह हाल है, किडनी पेशेंट को नहीं देख रहा, हार्ट पेशेंट को नहीं देख रहा, जितने पेशेंट है उनको नहीं देखा जा रहा। कोरोना के नाम पे सब कुछ बंद है। जो सैंपल यहाँ पे 900 से और 1000 रुपए में होता है, वो 1000 रुपए की जगह 2300 रुपए 2500 रुपए में अहमदाबाद से क्यों कराया जा रहा है? ये सारे सवालों के जवाब थे जो विधानसभा में आना थे, जिससे ये सरकार बच गई। अब आज हम ये बात सड़कों पे करने आए। मुख्यमंत्री जी, मेहरबानी करके मध्य प्रदेश के करोड़ों पीड़ितों को इंसाफ दो, इलाज कराओ, जो केंद्र की गाइडलाइन है हर अस्पताल उनका इलाज करे, तमाम पेशेंटों का करे, ताकि इस महामारी से बच सका जाए। भाई, ये मांगों को अगर पूरे नहीं करता अगला आपका एक्शन क्या होगा? देखिए, हम तो आज ही मुख्यमंत्री निवास जाना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने रोक दिया। अब हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम हड़दंग कराएं। हमारा मैसेज कोरोना के साथ ईमानदारी से कोरोना पेशेंट की लड़ाई लड़ना है, इसलिए हम अपने आंदोलन को यहाँ समाप्त करें। प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था। करीबन एक दर्जन से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल भेजा गया है। क्या मामला लगा? मामला वही कि बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन करना और शासन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करना, इन लोगों के तहत ही मुकदमा कायम होगा उनको। ये तो जिनको लेके गए हैं उनके अलावा अज्ञात में भी लगे, क्योंकि बाकी के तो नाम नहीं जानते थे, जो पकड़े गए उनको तो जानते हैं हम लोग, मतलब जानने जाएंगे क्योंकि उनका पूरी डिटेल लिखी जाएगी वहाँ गिरफ्तारी में। देखिए, स्थानीय विधायक आर्य मसीद जी द्वारा यहाँ पर एक रैली का अनाउंस किया था कोविड 19 और इनके लेके
और पुलिस ने अपने जो बैरिकेड लगाए थे उससे आगे नहीं जाने दिया। इसमें जो भी लोग हैं वो मौके से डिस्पर्स कराए गए। इसके बाद भी 10-12 लोग जो मौके आगे बढ़ रहे थे उनको भी डिटेन किया गया है। एज पर लोग कार्रवाई की जाएगी। विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर थाना श्यामला हिल्स पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कोरोना महामारी लॉकडाउन के बाद भोपाल में कांग्रेस का यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।